हेलो गाइस, ये डुअल ब्रेक वाल्व है BS2 की, जिसे हम निकाल रहे हैं इस व्हीकल से। ये 2518 हाइवा है। देखिए ये दो जो पाइप देख रहे हैं, ये हमारी प्रेशर की गेज में गए हुए हैं, जो प्रेशर हमारी शो करती हैं। और चार जो है दो इनपुट लाइन है और दो आउटपुट लाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने निकाल लिया इसे, और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी क्या कंडीशन है। ये फुल्ली रस्टेड हो चुकी है। देखिए ये जो दोनों है, ये प्रेशर के लिए हमारी गेज में जाती है, और ये चार कनेक्शंस जो हैं वो दो इनपुट है और दो आउटपुट है। तो फ्रेंड्स, ये डुअल ब्रेक वाल्व है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी व्हीकल में दोनों टैंक है, तो दोनों टैंक की एयर यहाँ पे आके रुकी हुई रहती है। जब हम प्रेस करते हैं, तो एक टैंक की जो प्रेशर है वो हमारी पीछे वाली ब्रेक के लिए चली जाती है, और दूसरी वाली के जो है वो आगे ब्रेक के लिए चली जाती है, फ्रंट वाली। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे इसकी सर्क्लिप को निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो एयर लीक हो रही थी हमारी एग्जॉस्ट लाइन से, और इसकी जो ब्रेक अप्लाई होती थी इस व्हीकल में, तो बहुत ही अप्लाई होने के बाद, बहुत देर के बाद वो ब्रेक रिलीज़ होती थी। तो क्या होती थी इससे, क्या सडनली अगर हम व्हीकल को बढ़ाएं तो ब्रेक पकड़ी हुई रहती थी। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने निकाल लिया है सरक्लिप को। अब हम इसे प्लेयर से पकड़कर इसे हम खींच लेंगे, इस पुश पुल लीवर को। ये पुश लीवर है जिसे हम पैर से हम पुश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी फुल्ली रस्टेड हो चुके हैं पिस्टन के ऊपर। अब हम इसे निकालेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे निकालने की ट्राई करते हैं, पर ये शायद ये नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ये फुल्ली रस्टेड है। तो हम बैक साइड से इसे रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम रस्ट को यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। नहीं होगा तो फिर हम इसे बैक साइड से इसे निकालेंगे, और हमें इसे रिपेयर करके फिर इसी डुअल ब्रेक वाल्व को यूज़ भी करना है। फ्रेंड्स, तो एक्चुअली क्या होती है, इस डुअल ब्रेक वाल्व में जब हम पैडल को प्रेस करते हैं, तो हमारी जो एयर यहाँ पे अवेलेबल होती है, वो जाकर हमारे एक्चुएटर में चले जाते हैं, तभी जाकर हमारी ब्रेक अप्लाई होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम बैक साइड से एग्जॉस्ट वाली लाइन की जो सर्क्लिप है, उसे हम निकाल लेते हैं, और इसके अंदर देखिए जो सील्स और स्प्रिंग और इसके अंदर फिल्टर होते हैं। और चलिए अब हम 10 नंबर की जो बोल्ट है, उसे हम निकाल लेते हैं। जब चारों बोल्ट को हम लोग निकालेंगे, तो ये दो पार्ट में अलग हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो दोनों पार्ट है वो सेपरेट सेपरेट एयर इसमें आती है, टैंक वन और टैंक टू की। तो जिसे हम फ्रंट टैंक बोलते हैं और रियर टैंक भी बोलते हैं, तो उसकी जो एयर है यहाँ पे आके रुकी हुई रहती है, जिससे हमारी टैंक की जो प्रेशर है वो शो करती है हमारी गेज में। तो देखिए, जब हम इसे निकालेंगे, निकालने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि इसकी जो सील की पोजीशन है वो सही है या वर्न आउट हो चुकी है। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे सील हैं, जो हम प्रेस करने से वो प्रेस होती है उल्टी साइड से, जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी सरक्लिप को निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम सरक्लिप को निकालेंगे, तो यहाँ से हमारी, देखिए इस जगह पे सरक्लिप जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं, और जैसे ही ये सरक्लिप निकलेगी, तो देखिए इसके ऊपर एक फिल्टर लगी हुई है, जो एयर को फिल्टर करके हमारी एक्चुएटर की तरफ भेज देती है। और देखिए इसमें एक पुश पुल सील है, और इसमें स्प्रिंग है। तो चलिए अब हम इस पिस्टन, हमारी बाहर नहीं आ रही थी, तो इस साइड से हम किसी प्लास्टिक की हैमर या किसी भी चीज़ से अगर हम पुश करेंगे, तो वो हमारी पिस्टन उल्टी साइड में बाहर आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रख के इसे हैमर कर रहे हैं। देखिए ये हमारी पिस्टन आ गई है बाहर, और ये पिस्टन देखिए कितने रस्ट पकड़े हुए हैं ये पिस्टन। और इस रस्ट के वजह से जब हम ये पिस्टन प्रेस होता है, तो वापस ये अपने पोजीशन पे आने में समय लगा देती है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए अब हम इसे सील को निकाल लेते हैं, और इसे वॉश करते हैं,
और क्लीन करके फिर हम इसे डालेंगे। और हम किसी भी सील का रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, जो पुश पुल सील है उसके ऊपर रेड कलर के जो लगे हुए हैं, हमने एनाबॉन्ड डालकर उसे ड्राई कर लिया है ताकि हमारी जो सील की जो पोजीशन है वो ख़राब हो गई थी, वो रिपेयर हो जाए। ड्राई करने से वो रिपेयर हो जाती है, तो हमारी ये कम खर्च में, सिर्फ हमारी जो कम खर्च में हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम ओरिंग में पहले अप्लाई कर लेते हैं ग्रीस को। और इसकी जो पिस्टन है, इसमें दो पिस्टन हैं, एक टॉप में और एक डाउन में। तो हम डाउन वाली जो पिस्टन है उसमें हम पहले ओरिंग को हम डाल लेते हैं। और जब भी हम ओरिंग को डालेंगे तो ग्रीस अप्लाई करना ना भूले फ्रेंड्स। ग्रीस अप्लाई करने के बाद इसमें ओरिंग को डाल दें। देखिए हमने इसे पिस्टन को ऊपर जो है ओरिंग डाल दिया है, और एक स्मॉल वाली जो ओरिंग है उसे भी हम ग्रीस डालकर हम इसकी पिस्टन के टॉप में डाल देंगे और हम इसे असेंबल कर देंगे इसकी बॉडी में। तो ये नीचे की पार्ट है जिसमें हम असेंबल कर रहे हैं। तो अभी अच्छी सी ग्रीस लगा लेनी है। ग्रीस लगाने के बाद हमें इस पिस्टन को रख कर पुश कर देनी है, तो ये आसानी से बैठ जाएगी जाकर। देखिए फ्रेंड्स, ये इसे अच्छी तरीके से पुश करनी है ताकि वो टेपर ना हो जाए, टेपर होने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब हम इसे डाल लिए हैं। अब हम ये हमारी बैक साइड की जो है उसे हम अब असेंबल करेंगे, एग्जॉस्ट लाइन की साइड को। तो चलिए सील के ऊपर हम ग्रीस को अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद हम इस सील को हम रख लेते हैं यहाँ पे, फिर स्प्रिंग को डाल लेते हैं। और स्प्रिंग डालने के बाद फिर फिल्टर हम डाल लेते हैं। फिल्टर में दो ओरिंग आते हैं फ्रेंड्स, उस दो ओरिंग को ध्यान देना है ताकि वो एक भी ओरिंग अगर कट जाए तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसकी ओरिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और सील अगर थोड़ी सी अगर डैमेज हो गई है तो आप एनाबॉन्ड लगा कर उसे ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं, इससे किसी तरह की प्रॉब्लम होती नहीं है। चलिए हमने वो एग्जॉस्ट की जो कैप है उसमें हम लोगों ने ग्रीस को डाल दिया है। देखिए इसमें दो ओरिंग है, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, और हम लोग ऊपर से डालकर हम इसे सरक्लिप से इसे लॉक कर देंगे। बस जिस तरह से हम इसमें सील और स्प्रिंग और आपकी फ़िल्टर डाले हैं, ऊपर वाले पार्ट में भी ऐसे ही डालेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम सरक्लिप को लॉक कर लेते हैं। देखिए हमारी जो पिस्टन है वो अप डाउन होनी शुरू हो गई है लॉक होने के बाद। ये फ्रेंड्स हमारी टॉप वाली पिस्टन है जिसे हम मेन पिस्टन बोलते हैं। और इसमें ग्रीस अप्लाई करने के बाद हम ओरिंग डाल लेंगे। ओरिंग डालने के बाद दोनों साइड में एक एक बफर सील आएगी, तो वो बफर सील हम डाल लेंगे। बफर सील डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से ग्रीस अप्लाई कर लेंगे। देखिए हम लोग अभी ग्रीस को अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद बफर सील डालेंगे। एक ओरिंग की दोनों साइड एक एक रहेगी। और जैसे ही हम बफर सील डालेंगे तो हम इस पिस्टन को हम उस बॉडी के अंदर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऊपर वाली जो सील और स्प्रिंग और फिल्टर जो है वो हम लोगों ने डाल रखा है, जिसमें हम लोगों ने अप्लाई किया था एनाबॉन्ड। एनाबॉन्ड अप्लाई करने के बाद सील को ड्राई किए हैं। ड्राई करने के बाद हम इसे असेंबल कर रहे हैं, तो हमारी जो लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और ये कम एक्सपेंसेस में ये काम हो जाएगी हमारी। तो चलिए अब हम इस पिस्टन को यहाँ से डाल लेंगे। जब हम यहाँ से डालेंगे तो ऊपर से एक इसकी रिंग आती है, उस रिंग को डालने के बाद पिस्टन को हम वहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो चलिए अब हम देखिए, हम प्रेस करके देख लेते हैं, वो बिल्कुल सही है। और इस रिंग को हम लोग यहाँ पे डालते हैं, और इसके ऊपर से जो प्लेट वगैरह हैं, इसकी जो रबर है और सरक्लिप है, इसे हम लोग डाल लेंगे और पुश करके चेक कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से काम करने लगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने सील को लॉक किया है सरक्लिप डालकर। और अब हम इस दोनों को एक दूसरे से अटैच करेंगे ग्रीस अप्लाई करने के बाद। हमारी जितनी भी तरह की कंप्लेन इस ड्यूल ब्रेक वाल्व में थी, अब ये हमारी बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे अटैच कर लेते हैं पोजीशन देखकर, और इसमें बोल्टिंग कर लेते हैं। बोल्टिंग करने के बाद हम इसे व्हीकल में फिट कर देंगे और आसानी से व्हीकल को चलाएंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। देखिए इसमें जो है टोटल चार होस के कनेक्शन है, दो जो स्विच है वो ब्रेक की स्विच है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी रियर में रेड कलर की लाइट आती है,
और 11 और 12 जो है हमारी ये इनपुट है और 22 21 जो है वो आउटपुट है, एक फ्रंट के लिए एक रियर के लिए, और एक फ्रंट टैंक और एक रियर टैंक से आती है, ये दोनों प्रेशर बताती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की कमेंट्स है तो आप कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।